हेलो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट कनाडा जाना चाहते हैं जनवरी इंटेक और ऑनवर्ड स्टडी के लिए, स्पेशली जनवरी इंटेक के लिए, वो स्टूडेंट का दो प्रोसेस अभी रुका हुआ है, एक बायोमेट्रिक और दूसरा पासपोर्ट स्टैम्पिंग। तो आज मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बायोमेट्रिक के लिए आपको क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। कनाडा हाई कमीशन का आज ही लेटेस्ट ट्वीट आया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये प्रोसीजर आपको बिल्कुल सिंपल होने वाला है, ईजी होने वाला है। और वो ये ट्वीट आज 25 नवम्बर का है, आज 25 नवंबर से ही हम अपना बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। तो एक बार ट्वीट को देख लेते हैं, कैनेडियन हाई कमीशन ने जो आज सुबह ट्वीट करा हुआ है वो ट्वीट क्या करा हुआ देखिए। पहला ट्वीट ये है कि इंडिया में वीएससी सेंटर क्लोज है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी कैंडिडेट पर्सनली विजिट करने के लिए वहां ना जाए, ना एलिजिबल है और वो लोग वीएससी सेंटर जो है अभी काम नहीं कर रहे हैं इंडिया में। दूसरा ट्वीट जो कहता है वो ये कहता है कि जिन लोगों को बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आए हुए हैं, जिसको कि हम BIL भी कहते हैं, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जिन लोगों के पास आए हुए हैं, वो स्टूडेंट अपना वेब फॉर्म के थ्रू बायोमेट्रिक के लिए डेट ले सकते हैं और ये डेट आज 25 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। प्रोबेबली अभी इसी समय तो ये वेब फॉर्म का उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है और क्लियरली बोला है कि वेब फॉर्म के थ्रू जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेब फॉर्म अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, कुछ ही घंटों में काम स्टार्ट कर देगा, प्रोबेबली 25th की इवनिंग से या आफ्टरनून से स्टूडेंट अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। देखिए ये लिंक उन्होंने ट्वीट में दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करने पर आपको डायरेक्टली ये वेब फॉर्म के ऊपर लेके आ जाता है। तो ये लिंक मैं अपने यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, स्टूडेंट डायरेक्टली वहां जाकर अपना बुक कर सकते हैं। देखिए जो लिंक आपके पास आएगा वो लिंक आपको यहाँ लेके आएगा जिसमें कि आपके पास कंप्लीट वो लिस्ट आई होगी जहां जहां आपकी बुकिंग स्टार्ट है। अभी इंडिया में न्यू दिल्ली है, जलंधर है, चंडीगढ़ है, मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, पुणे है। ये 10 सेंटर हैं जहां पर कि स्टूडेंट पर्सनली अपना बायोमेट्रिक बुक कर सकते हैं अगर उनके पास बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आया हुआ है। तो देखिए क्या प्रोसीजर रहेगा आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो स्टूडेंट न्यू दिल्ली में बुक करना चाहता है तो यहाँ पर उसको एक व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा। व्यू मोर के ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ये वेब फॉर्म दिया हुआ है, आप इस वेब फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। ये अभी फिलहाल ये ऑपरेटिव नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये कुछ ही घंटों में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना BIL नंबर, किस सेंटर में आप बुकिंग करना चाहते हैं, क्या कंफर्टेबल डेट है आपकी, वो सारा कुछ बुक करके आप उसको सबमिट कर देंगे। इसकी प्रायर रिक्वायरमेंट है कि अपना बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं ट्वीट के ऊपर। स्टेट फॉरवर्ड उन्होंने लिख दिया होगा जिसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं, ये लिंक आज स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम का ट्वीट है कि आपका जो क्लाइंट या स्टूडेंट का बायोमेट्रिक हो चुका है या जिनका कि बायोमेट्रिक पिछले 10 साल में कभी भी हुआ हो, चाहे वो टूरिस्ट वीजा के तौर पर या किसी भी तौर पर कनाडा जाने के लिए कभी भी अगर उनका बायोमेट्रिक हुआ है, उनको दोबारा नहीं देना है। वो स्टूडेंट या वो फैमिली मेंबर को डायरेक्टली इस समय एक मेल आएगी जो मेल रहेगी पासपोर्ट सबमिशन के लिए। तो हाई कमीशन ने यह भी क्लियर करा हुआ है कि कुछ बच्चों को जिनका बायोमेट्रिक हुए है, पहले से हुए हुए हैं या पहले उन्होंने कभी भी बायोमेट्रिक कम्प्लीट करवाया हुआ था, स्टेट फॉरवर्ड पासपोर्ट सबमिशन BFS@helpline.com में अपना मेल डालें टू वे कुरियर के लिए और उसमें क्लियरली लिखें कि उनका बायोमेट्रिक हो चुका है, जिसमें अगेन आपको BIL नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारा आपने उनको सबमिट करना है। इसके लिए भी प्रायर के ऊपर आपको पासपोर्ट सबमिशन के लिए एक मेल उनके पास से आएगी, कैनेडियन हाई कमीशन के पास से। आपके पास अभी मेल नहीं आई हुई तो आपको वेट करना है, बायोमेट्रिक अगर आपके हो चुके हैं तो आपको ये मेल कभी भी रिसीव हो सकती है। 80% बच्चों को मेल आ चुकी है इस समय तक, अगर आपके पास नहीं है तो एक या दो दिन आपके पास आएगी। इमीडिएटली आपको जो मेल अगर आपके पास आई है पासपोर्ट सबमिशन के लिए, आपने पासपोर्ट सबमिशन BFS@helpline.com पे एक मेल डालनी है, आपका BIL का लेटर उसको अटैच करना है, पासपोर्ट का नंबर लिखना है और उनको बोलना है कि मैं टू वे सबमिशन के थ्रू पासपोर्ट को स्टैम्पिंग कराना चाहता हूँ। तो उस केस में आपके पास अगेन वो कम्युनिकेट करेंगे आपको कि टू वे कोरियर के लिए आप किस सिटी में है, कहाँ आपका एड्रेस है, कैसे पिकअप करवाना है, उसकी एक फीस है, वो फीस आपको जमा करनी है टू वे कोरियर की और उसके बाद आपका पासपोर्ट आप भेज सकते हैं। आपके पास कुछ ही दिनों में स्टैम्प होकर वापस आते हैं। कनाडियन हाई कमीशन का फोर्थ ड्यूट इनका है कि
कि अभी जो ये सारा प्रोसीजर चल रहा है ये सिर्फ फैमिली मेंबर और स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट है तो अभी फिलहाल ये केस ये सारा प्रोसीजर उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरा उन्होंने ये भी क्लियर करा होगा कि कैनेडा में कुछ ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्शन आप इस लिंक पे जाके अपडेट करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो इनका ट्वीट है उसमें उन्होंने क्लियर दिया, क्लियरिटी दी है कि आप कैसे अपना बुक कर सकते हैं बायोमेट्रिक। एंड देन उसके पहले उसके बाद एक और इनका ट्वीट अभी लेटेस्ट आया हुआ था जो कि अभी कुछ मिनटों का पहले कुछ घंटों का पहले का है, जिसमें उन्होंने फर्दर क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है और उन्होंने QR कोड दिया हुआ। उस QR कोड को आप स्कैन करके सारा का सारा जो क्वेश्चन स्टूडेंट के डाउट में आ रहे हैं उन सबको क्लियरिफाई करा है। स्कैन करने के बाद में जो आपका एक PDF आपके पास डेवलप होके आती है, वो PDF ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है, वो PDF इस तरह के फॉर्म में आती है जो उन्होंने फर्दर क्लियर करा हुआ सारी चीजों को बन बाय बन करके एक बार सारा चीज आपके लिए मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि उन्होंने पहले तो बोला है कि आप बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। अगेन उन्होंने बोला कि जिसको भी BIN लेटर आ चुका है वही बुक कर सकता है और वेब फॉर्म के थ्रू कर पाएंगे। दूसरा दिया है कि बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कब से अवेलेबल है, 25 नवंबर से अवेलेबल रहेंगी और ये आने वाले टाइम में हर वीक के आदमी अपना स्टूडेंट अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। थर्ड उनका यह था कि आपके पास वीजा एप्लीकेशन एलिजिबल टू बुक बायोमेट्रिक अवेलेबल, तो वो ये पता कि क्या अभी वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है बायोमेट्रिक बुकिंग के लिए ओपन है। तो उन्होंने क्लियर करा हुआ कि अभी ओपन हो चुके हैं लेकिन सिर्फ दो कैटेगरी के फैमिली क्लास के लिए और या फिर जो है टेम्पररी रेजिडेंस प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो कि स्टडी परमिट के लिए जाना चाहते हैं। सिर्फ दो ही क्लास के लिए ये बायोमेट्रिक ओपन हुए, फैमिली क्लास के लिए और स्टडी परमिट के लिए। तीसरा नेक्स्ट में फिर पॉइंट क्लियर करा हुआ है कि वंस माय वीजा इज अप्रूव्ड हाउ डू आई सबमिट माय पासपोर्ट स्टडी। अगेन ये बात हम पहले देख चुके हैं कि अगर आपका बायोमेट्रिक अप्रूव हो गया तो आपको पासपोर्ट कैसे सबमिट करना है। अगेन ये मेल आईडी आपको दिया हुआ है, इस पर आपने मेल डालना है और बोला कि मैं टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू पासपोर्ट भेज के स्टम्प भी करवा सकता हूँ। नेक्स्ट उसके पास है कि क्या पासपोर्ट स्टम्पिंग के लिए आपको कोई प्रॉपर फीस पे करनी है। यस, उन्होंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप जाके देख सकते हैं कि क्या फीस है और वो आपको ऑनलाइन पे करनी है। इसके लिए आपको एक मेल भी आएगी, इस मेल के थ्रू आपको ऑनलाइन उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज माय पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट लेटर और बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। एक चीज और भी है, कई बच्चों को बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर काफी पहले आई हुई थी जिसमें कि एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था। उनका साफ कहना है कि चूंकि ये कोविड का टाइम चल रहा है, अगर आपके किसी भी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर में या पासपोर्ट सबमिशन में कोई भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो इमटेरियल है, उसको अवॉइड करके अपने प्रोसीजर को आगे फॉलो करें। जो नेक्स्ट उनका पॉइंट है भी कि अगर मान लीजिए अगर मैं किसी और कंट्री में, जैसे लाइक नियर बाई कंट्री है, नेपाल है, बांग्लादेश है या दुबई है, अगर मैं वहां जाकर मैं बायोमेट्रिक करवाना चाहता हूँ तो क्या करवा सकता हूँ। तो उनका कहना है यस, आप करा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ही आएगी क्योंकि आपको वहीं पर पासपोर्ट सबमिट करना है और वहीं पर आपको जो है कोरियर का प्रोसेस या पर्सनल वाला प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है। उसके लिए हो सकता है थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको वहां रखना पड़े, यानी इट इज आपको जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपको बियर करना है। इट इज टीडियस प्रोसीजर बट ऑफकोर्स यू कैन अडॉप्ट इट। एक चीज और क्या करा हुआ है कि जब भी हम BFS का फॉर्म भरेंगे तो एक नंबर वो मांगता है, वो नंबर क्या चीज है BIN के नंबर में। तो उन्होंने फर्दर क्लियर करा हुआ है कि ये वो नंबर है जो कि S से स्टार्ट होता है अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए सबमिट कर रहे हैं और वो S से स्टार्ट होता है अगर आप फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं। ये चीज स्टूडेंट को क्लियर कर ले, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर में एक नंबर है जो कि S से स्टार्ट हो रहा है वही BIN नंबर है जो आपने सबमिट कर रहे। नेक्स्ट क्या था कि अगर मान लीजिए हमारे एरिया में अगर मान लो कोरियर सर्विस नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कहना है कि अभी आप फिलहाल वेट करना है जब तक कि वो कोरियर सर्विस आपके एरिया में स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक के लिए आपको प्रेजेंट रखना है और आपको पर्सनली नहीं विजिट करना है। नेक्स्ट इज व्हेन विल बी द VAC स्टार्ट टेकिंग द पेपर एप्लीकेशन। तो इसमें इन्होंने क्लियर करा हुआ है कि VAC सेंटर आज की तारीख में ओपन नहीं है, VAC सेंटर में ऑफलाइन एप्लीकेशन का किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं हो रहा है और उन्होंने पर्टिकुलर डेट भी दी हुई है 31 जनवरी 2021 तक कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन VAC सेंटर में प्रोसेस नहीं होगी इंडिया में। तो ये चीज उन्होंने बड़ी कैटेगरी क्लियर करी हुई है।
The next is why can't I submit my passport in person to the VSE? तो अगर कोई भी student चाहता है कि मेरा biometric हो गया है और अगर मेरे को passport personally submit करना है तो क्या वो VSE center में जाकर personally submit कर सकता है instead of two-way courier? तो उन्होंने clearly मना करा है कि आपको VSE center में in person आने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जो भी process हो रहा है वो remote process के through ज़्यादा preference दिया जा रहा है। तो आपने सिर्फ two-way कोरियर का ही ऑप्शन अडॉप्ट करना है पासपोर्ट स्टैम्पिंग के लिए। देन नेक्स्ट 13 पॉइंट उन्होंने क्लियर करा हुआ है कि अगर आपने पिछले 10 साल में कभी भी बायोमेट्रिक अगर लिया हुआ है तो दोबारा बायोमेट्रिक नहीं देना है आपको कनाडा के लिए। आपका 10 साल में दिया हुआ कनाडा के प्रोसेस किसी भी प्रोसेस के लिए बायोमेट्रिक वो यूज होगा, उस केस में आपको बायोमेट्रिक दोबारा नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, आज की तारीख में आप बायोमेट्रिक इमीडिएटली प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। 25 नवंबर आज किसी भी समय बायोमेट्रिक आपका ओपन हो जाएगा। प्रोसीजर मैंने जो इसका वेब फॉर्म का लिंक है ना डायरेक्टली आप बुक कर सकेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस फ्रेंड, अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो या आगे के लिए अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहते हैं, हमारे ऑफिस को कॉन्टेक्ट करें। हमारे ऑफिस का एड्रेस है, ये आपका नंबर है। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो हमारी पूरी प्रोफेशनल टीम आपको पर्सनली हेल्प करती है। आगे के लिए प्रोसेस के लिए भी वी वेलकम द स्टूडेंट्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।